हेलो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर सेवन करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर करके जो प्लेलिस्ट है वहां से मिल जाएंगे अगर आप प्रीवियस लेक्चर हमारे देखना चाहते हैं आज इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम इसमें करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ठीक है इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म किस तरह से डिफाइन होगा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को फर्स्ट से ही हम डिनोट करते हैं फर्स्ट और इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर और यहां आपको पता है वेयर ये नोटेशन में लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं ई इक्वल टू किसके होता है आर वन स्क्वायर एफ इक्वल टू आर वन डॉट आर टू और जी इक्वल टू आर टू स्क्वायर ठीक है जहां आर वैक्टर आपको पता है कि सरफेस का इक्वेशन हम ये लेते हैं आर वैक्टर इज फंक्शन ऑफ U एंड V ये हमारे सरफेस का इक्वेशन है तो R वेक्टर का जब U के रेस्पेक्ट में यानी फर्स्ट पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हम R1 से डिनोट करते हैं और R वेक्टर का जब पैरामीटर V के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसे हम R2 से डिनोट करते हैं तो E इक्वल टू आर वन स्क्वायर होगा एफ इक्वल टू आर वन डॉट आर टू और जी इक्वल टू आर टू स्क्वायर तब ये जो एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहलाता है और यहां पर जो कॉफिशियंट इसके अंदर आ रहे हैं ई e, एफ और जी इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट फंडामेंटल फिशियंट फर्स्ट फंडामेंटल कॉफिशियंट्स या इनको फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स भी हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स ठीक है फर्स्ट फंडामेंटल कॉफिशियंट्स या फिर फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कहलाता है ठीक है एक चीज और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है मैट्रिक ऑफ ए सरफेस मैंने आपको डिफाइन करवाई थी और मैट्रिक ऑफ सरफेस के अंदर क्या आया था मेरे पास ये मेरे पास आया था डी एस स्क्वायर इक्वल टू किसके था ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी और प्लस जी डी वी स्क्वायर ये मैट्रिक ऑफिस सरफिस भी मैंने डिफाइन की थी इसका मतलब जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो किसके इक्वल है डी एस स्क्वायर के इक्वल है ठीक है तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म मेट्रिक ऑफ ए सरफेस क्या होता है डीएस तो डीएस का जो स्क्वायर है उसके इक्वल होगा तो ये तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की डेफिनेशन जहां तक फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है तो जैसा कि हमने यहां पर लिखा है कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म किसके इक्वल है डीएस स्क्वायर के इक्वल और डीएस क्या होता है अगर कोई भी सरफेस आप ले रहे हो इस सरफेस पर सपोज पी कोई भी पॉइंट है क्यू इसका नेबरिंग पॉइंट है इन दोनों के बीच में अगर मैं करू बनाऊं इस करु की आर्क लेंथ अगर क्या है डीएस ठीक है तब डीएस का स्क्वायर किसके इक्वल है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के इसका मतलब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का अगर ज्योमेट्रिक मीन आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे ये मैं लिख सकता हूं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज इक्वल टू is equal to square of square of arc length arc length between two neighboring points between two neighboring points on surface. ठीक है तो सरफेस के अगर कोई भी दो नेबरिंग पॉइंट्स आप ले रहे हो नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब कंजेक्यूटिव पॉइंट आस पास है दोनों पॉइंट्स यानी कि पी का पोजीशन वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो क्यू का पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर वैक्टर है तब पी और क्यू पॉइंट्स के बीच जो आर्क लेंथ होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के इक्वल और आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि डी एस स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इसलिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो पॉजिटिव हो गया ठीक है और साथ ही डी यू डीवी के अंदर क्या बन रहा है ये क्वाड्रेटिक कैसा इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो कैसा होगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉजिटिव डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट सो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज क्वाड्रेटिक पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म ठीक है तो ये तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एक चीज और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के अंदर आती है वो ये है कि ई एफ जी के एक्सप्रेशन आपको पता है ई इक्वल टू किसके होगा आर वन स्क्वायर के एफ इक्वल टू क्या है आर वन डॉट आर टू और जी इक्वल टू किसके है आर टू स्क्वायर के कल मैंने एक नोटेशन आपको बताया था कि एच इक्वल टू किसके आया था मोड आर वन क्रॉस आर टू के ये एच की वैल्यू होगी तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एच स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा आर वन क्रॉस आर टू मोड का स्क्वायर और आर वन क्रॉस आर टू का मोड आप ये लिख सकते हो अगर मैं एक बार के लिए यहां पर आर वन क्रॉस आर टू की वैल्यू लिखूं यहां पर साइड में देखो आप आर वन क्रॉस आर टू क्या होगा आर वन क्रॉस आर टू इक्वल टू आर वन मोड आर टू मोड साइन थीटा साइन थीटा लिखेंगे और इनटू कोई भी इन दोनों के यूनिट वेक्टर तो ये आपको पता है कि आर वन क्रॉस आर टू की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर इसलिए यूनिट वेक्टर क्या आ गया कैपिटल या ये कहें कि आर वन क्रॉस आर टू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा नॉर्मल तो ये आपके पास होगा तो आर वन क्रॉस आर टू का जब स्क्वायर आप करोगे तो क्या बन रहा है देखो आप आर वन मोड स्क्वायर आ गया इसी के साथ क्या आ जाएगा आर टू मोड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन के स्क्वायर वन हो जाएगा आप इसको ये भी लिख सकते हैं आर वन मोड स्क्वायर आर टू मोड स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये टर्म क्या बन गई देखो आपकी आर आपको पता है कि ए वेक्टर का मोड स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा ए वेक्टर स्क्वायर के तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर और आर टू स्क्वायर और माइनस आर वन मोड आर टू मोड और थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो आप इस एक्सप्रेशन को ठीक है तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं इक्वल टू आर वन स्क्वायर किसकी वैल्यू है ई e की वैल्यू आर टू स्क्वायर किसकी वैल्यू है जी की वैल्यू ई जी माइनस और ये किसकी वैल्यू है आप देख रहे हो ये आर वन डॉट आर टू का फॉर्मूला है आर वन डॉट R2, यानि कि R1 का मोड आर टू का मोड तो और एफ के पास आता है एच स्क्वायर इक्वल टू ईजी माइनस एफ स्क्वायर तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है ठीक है पूछा जा सकता है नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म तो सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होगा सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म की डेफिनेशन है कैपिटल एल इंटू डीयू स्क्वायर प्लस टू एम डी यू प्लस कैपिटल एन इंटू डी वी स्क्वायर वेयर 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 ये होगा एल इक्वल टू लेते हैं आर वन वन वैक्टर डॉट केप। एम इक्वल टू वेक्टर वन टू वैक्टर डॉट इक्वल टू आर टू टू वैक्टर डॉट है तो फर्स्ट वाला रिजल्ट हो गया आपका वेयर एलेवेन की वैल्यू ये होंगी ठीक है सेकेंड डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो इसकी सेकेंड डेफिनेशन के अंदर एलेवेन की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं एल इक्वल टू आता है माइनस एन वन वैक्टर डॉट आर वन वैक्टर एम इक्वल टू आएगा माइनस एन वन वैक्टर डॉट आर टू वैक्टर और ये वैल्यू इक्वल टू होगी माइनस एन टू वैक्टर डॉट आर वन वैक्टर तो ये दोनों ही वैल्यू एम की वैल्यू है और एन इक्वल टू किसके होगा माइनस एन टू वैक्टर डॉट आर टू वैक्टर तो एन वन और आर वन का डॉट है वो एल है एन वन का आर टू से करो या एन टू का आर वन से करो दोनों ही केसेज में ये एम बनता है और एन टू डॉट आर टू का नेगेटिव करोगे तो ये क्या बन रहा है आपका एन बन रहा है तो ये दोनों ही डेफिनेशन काम में लेते हैं ये वाली वैल्यू भी एलेमेन की काम में ले सकते हो ये वाली वैल्यू भी तो ये आपका क्या कहलाता है सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म कहलाता है और यहां पर एलेमेन क्या कहलाएंगे जैसे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में थे उसी तरह यहां पर एलेमेन को क्या कहते हैं सेकेंड फंडामेंटल मैग्निट्यूड सेकेंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स मैग्नी टूड्स और सेकंड फंडामेंटल भी इनको हम बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल ठीक है दोनों ही नाम इसको हम देते हैं एल को दूसरी चीज ई एफ जी आपके पास आया था फर्स्ट के अंदर और हमने यहां से एक रिलेशन लिखा था क्या ई जी माइनस एफ स्क्वायर और ये किससे डिनोट किया था एच स्क्वायर से ये फॉर्मूला था सेम चीज यहां पर होगी एल इन टू एन करेंगे एल इन टू एन और माइनस एम स्क्वायर

सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म ये आपको पता है कि आर वेक्टर किसका फंक्शन है यू और वी का ठीक है तो यहां से अगर मैं डी आर वेक्टर फाइंड करना चाहूं डी आर वेक्टर क्या होगा इसको मैं डी आर वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूं देखो आप डेल आर वेक्टर बाई डेल यू इंटू डी यू प्लस डेल आर वेक्टर बाय डेल वी इनटू डी वी इस तरह से लिख सकते हैं और ये वैल्यू किसके इक्वल है आर वन वैक्टर हो गया ये तो और डी यू और प्लस आर टू वैक्टर और डी वी इसी तरह से मैं डी एन केप लिख सकता हूँ डी एन केप डी एन केप क्या होगा डेल एन केप बाई डेल यू इन टू डी यू और प्लस डेल एन केप बाई डेल वी इन डी वी इसको मैं ये लिख सकता हूं एन वन वैक्टर डी यू और प्लस एन टू वैक्टर डीवी एक चीज ध्यान रहे आपको यहां पर एनकेप है एनकेप का डेरिवेटिव करके ये नया वेक्टर आ रहा है तो ध्यान रहे अगर वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है तब उसका डेरिवेटिव यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है तो एनकेप तो यूनिट वेक्टर है लेकिन इसका डेरिवेटिव करके जो नया वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है इसलिए इस पर मैंने केप नहीं लगा कर क्या लगाया है वेक्टर लगाया है यही एन वन एन टू यहां ऊपर आपके इस डेफिनेशन में भी आ रहे का का मतलब क्या है डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में और एन टू का मतलब क्या है N का डेरिवेटिव पैरामीटर के तो ये मेरे पास क्या आएगा देखो आप इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा ये दोनों आर वन तो में डॉट हो गया एन वन डॉट आर वन और क्या बना आपका डी यू स्क्वायर एक टर्म तो ये बन गई फिर डी यू डी वी इन दोनों का करोगे यानी ये आएगा प्लस एन वन डॉट आर टू हो गया या एन टू डॉट आर वन इधर वालों का करेंगे तो एन वन डॉट आर टू तो एन वन डॉट आर टू आएगी एक टर्म तो दूसरी टर्म आएगी एन टू डॉट आर वन ये दोनों टर्म आ गई ये किसके कोप्सेंट आएंगे आपके डी यू डी वी के और प्लस जब इन दोनों का करेंगे तो टर्म बनेगी आपकी एन टू डॉट टू और dv स्क्वायर तो यहां से क्या आ जाएगा देखो आप डी इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है देखो यहां डेफिनेशन में ऊपर ये माइनस एल की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू बनेगी आपकी माइनस एम की वैल्यू ये वैल्यू भी किसकी बनेगी माइनस एम की वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसकी है माइनस एन की तो ये सारी वैल्यू रखेंगे तो माइनस तो मैंने इधर ले लिया माइनस और इधर क्या बन गया आपका देखो आप एल डी यू स्क्वायर बना प्लस टू एम डी यू डीवी बना और प्लस एन डी वी स्क्वायर बना यानी क्या बन गया ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है माइनस डी एन के डॉट डी आर वेक्टर ठीक है तो ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का एक्सप्रेशन इस तरह से भी लिख सकते हो आप माइनस डी तो अलग अलग फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं इसको अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म का तो फर्स्ट का तो देख लिया था आपने कि सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच की आर्क लेंथ देखते हैं। नेबरिंग पॉइंट लेते हैं आप ठीक है कॉन्जुक्यूटिव पॉइंट्स उनके बीच आर्क लेंथ आप देखते हैं उसका स्क्वायर डी एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के यहां पर क्या होगा यहां पर अपन एक सरफेस बना रहे हैं देखो ये सपोज कोई भी सरफेस है ये मैंने एक सरफेस बना दिया सरफेस ठीक इस सरफेस का कोई पॉइंट लिया इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट प्लेन बना रहा हूँ सपोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पी पर ये मैंने एक टेंजेंट प्लेन ड्रो कर दिया ठीक है इस तरह से टेंजेंट प्लेन है और यह पॉइंट सरफेस का क्या है पी पॉइंट तो पी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन बनाया पी पॉइंट का नेबरिंग पॉइंट 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 मैंने क्या क्या ले लिया क्यू 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 ठीक है है पी का नेबरिंग और Q point से इस प्लेन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सपोज परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर तब जो सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म होगा वो किसके बराबर होगा टू इंटू क्यू आर अब मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पी पर अगर आपको सेकंड फंडामेंटल फॉर्म लिखना है तो पी पॉइंट का नेबरिंग पॉइंट लोगे क्यू क्यू से पी के टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस परपेंडिकुलर की लंबाई अगर क्यू आर है तो क्यू आर का डबल या क्यू आर का ट्वाइस किसके इक्वल होगा सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के इक्वल होगा ये आपका क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आपका आता है वो है वेन गार्टन इक्वेशंस वेन गार्टन इक्वेशंस क्या होंगे देखो आप ये आपके एन वन वैक्टर को दो इक्वेशंस आपके पास है वेन गार्टन इक्वेशंस। पहला इक्वेशन में क्या लिख रहा है एन वन वैक्टर आर वन और आर टू का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है दूसरे इक्वेशन के अंदर एन टू वेक्टर तो यहां पर एन टू केप नहीं है ये एन टू वैक्टर है इसको आप करेक्ट कर लेना एन टू वैक्टर ठीक है क्योंकि यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव है इसका यूनिट वेक्टर होना कोई जरूरी नहीं है तो ये एक तरफ तो एन वन वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है दूसरी तरफ एन टू वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अब एक चीज जो यहां पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वेन गार्टन इक्वेशन रखिए क्या है आपको पता है कि आर वन वैक्टर क्या होता है टेंजेंट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है टेंजेंट वेक्टर किसके लिए फोर यू कर ठीक है आर वन वैक्टर इज टेंजेंट वैक्टर फोर यू कर दूसरा आर टू वैक्टर आर टू वैक्टर क्या होगा टेंजेंट वैक्टर टेंजेंट वैक्टर फोर वी कर ओके तो v कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर कौन सा है आर टू वैक्टर दो वैक्टर तो आपको पता चल गए अब मैं देखना चाह रहा हूं कि एन वन वैक्टर और एन टू वैक्टर कहां पर होंगे अब ये दोनों वैक्टर तो किसमें होंगे टेंजेंट प्लेन के अंदर किसके अंदर टेंजेंट प्लेन के अंदर ठीक है क्योंकि टेंजेंट वेक्टर हैं तो टेंजेंट प्लेन में लाई करेंगे दोनों ही वेक्टर अब आप देखो सिंस सिंस एन केप क्या होता है यूनिट वेक्टर इसलिए एन केप का स्क्वायर किसके बराबर होगा वन के लिख सकता हूं मैं एनकेप अगर यूनिट वेक्टर है देन एनकेप स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वन इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं सपोज यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो ये लिखूंगा मैं टू इक्वल टू जीरो यहां से मेरे पास क्या आ गया एनकेप और डॉट डेल एनके बाई डेल यू को क्या लिख सकता हूं मैं एन वन वैक्टर इक्वल टू जीरो इसी तरह से जब वी के रेस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो ये रिलेशन क्या बनेगा आपका N डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू जीरो आएगा तो cap तो नॉर्मल वैक्टर है और एन वन वैक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ एन वन वैक्टर और एन टू वैक्टर यह दोनों किसमें लाई करेंगे लाई इन टेंजेंट प्लेन लाई इन टेंजेंट प्लेन क्योंकि नॉर्मल वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट प्लेन के इसका मतलब अगर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर वेक्टर तब ये दोनों निश्चित रूप से कहां पर होंगे टेंजेंट प्लेन में होंगे आर वन और आर टू भी कहां पर है टेंजेंट प्लेन में लेकिन आपको पता है कि टेंजेंट प्लेन में दो ही इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं कौन कौन से आर वन और आर टू इसलिए क्या होगा इसलिए यह होगा कि आप अगर टेंजेंट प्लेन में आर वन आर टू के अलावा कोई भी वेक्टर लो उनको हमेशा आर वन और आर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि एन वन वैक्टर को आर वन और आर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है यानी कि ए आर वन वैक्टर और प्लस सपोज स्केलर बी लगा दिया और आर टू वैक्टर इसी तरह से एन टू वैक्टर को भी आर वन आर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो स्केलर सी लगा दिया मैंने आर वन वैक्टर और प्लस स्केलर डी लगा दिया और आर टू इस तरह से लिख सकते हैं दूसरे इक्वेशन में एन टू को आर वन और आर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो तो में, में, में लिखा गया है अब आपको कुछ भी नहीं करना केवल स्केलर्स की क्या निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है जो स्केलर्स यहां पर आ रहे हैं ए और बी इनकी वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसका मैं R1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं पहले वाले इक्वेशन काोडक्ट क्या, क्या बनेगा देखो एन वन डॉटन की प्लस बी इन आर वन डॉट आर टू क्या बनेगा एफ तो इधर वालों में कर दिया और एन वन में जब आप करोगे एन वन डॉट आर वन किसके बराबर होगा माइनस एल के उसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस एल इक्वल टू जीरो अब इसी इक्वेशन के अंदर वापस ठीक है अभी दूसरा इक्वेशन नहीं ले रहा हूं मैं केवल पहला इक्वेशन में ले रहा हूं पहले इक्वेशन में आर टू से कर रहा हूं अब मैं तो जब आर वन में आर टू से करेंगे तो F आ जाएगी यानी a इंटू एफ प्लस बी इंटू आर टू स्क्वायर बनेगा तो जी हो गया और आर टू का जब एन वन में आप करोगे तो माइनस क्या बनेगा M उसको दूसरी तरफ लाओगे आप तो प्लस एम यहां से ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस रिलेशन से ए और बी क्या बनेंगे देखो इस तरह से ए अपोन इक्वल टू बी अपोन इक्वल टू वन अपोन ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कवर कर लिया इस वाले कॉलम को इधर से एफ एम माइनस जी एल एफ एम माइनस जी एल फिर बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कवर करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा उल्टा लेंगे इसको एफ एल माइनस ई एम एफ एल माइनस एम एफ एल माइनस और वन अपोन करेंगे तो इसको कवर करेंगे क्या आ जाएगा इजी माइनस एफ स्क्वायर है ई जी माइनस एफ स्क्वायर एच तो ए की वैल्यू क्या आ गई देखो आप यहां से इक्वल टू किसके आ गया एफ एम माइनस जीएल अपोन एच स्क्वायर बी क्या आ गया ई जी माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये आपके ए और बी की वैल्यू आ गई इनको आप इस इक्वेशन में रख दोगे रखोगे एन वन वाले में जैसे ही रखोगे तो एच तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा आप चेक कर सकते हो ठीक है जैसी आप वैल्यू रखोगे जैसे यहां पर वैल्यू रखोगे तो ये पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा ठीक है इसी तरह से फिर आपको क्या करना है दूसरा जो इक्वेशन है एन टू वाला इसमें आर वन और आर टू से डॉट प्रोडक्ट करके दो रिलेशन बना लोगे फिर सी और डी की वैल्यू निकालोगे या इस इक्वेशन से ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कुछ नहीं करना एन वन की जगह तो एन टू आ गया और एल एम एन इनका साइकिलिक ऑर्डर लेंगे देखो आप एम की जगह क्या आ गया एन एल को किससे रिप्लेस कर दिया एम से एल को किससे रिप्लेस किया एम से और एम की जगह क्या आ गया एन तो साइकिलिक ऑर्डर आ गया एल एम एन का उससे आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सम इंपॉर्टेंट सरफेस कि अगर आपको कोई भी सरफेस दिया हुआ है तो उसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें सबसे पहला सरफेस एक सरफेस के मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ बाकी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कई सारे सरफेस लिखवाए थे ठीक है उनमें से फिर अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास है तो आप किसी भी सरफेस का सरफेस के लिए फंडामेंटल मैग्निट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं तो पहला सरफेस मैं इसका ले रहा हूं सपोज सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन मैंने छ सात सरफेस आपको नोट करवाए पिछले लेक्चर के अंदर आप चेक कर सकते हैं लास्ट लेक्चर में तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा सबसे पहले तो ये देखो आप आर वेक्टर इक्वल टू किसके होगा ये लिखवाया था यू कोस वी कोमा यू साइन वी और फंक्शन ऑफ यू फंक्शन ऑफ यू ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड आपको निकालने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है फर्स्ट वाले में तो कौन कौन आएंगे ई e, आ गया F आ गया G और साथ में इनकी सहायता से H भी निकाल सकते हो सेकेंड के अंदर कौन कौन आएंगे L आ जाएगा M आ जाएगा N आ जाएगा और फिर इनकी सहायता से आप T निकाल सकते हो ठीक है तो ई एफ जी का जो फॉर्मूला है मैं एक बार इधर लिख देता हूँ ई e का फॉर्मूला क्या होता है आर वन स्क्वायर एफ इक्वल टू किसके होता है आर वन डॉट आर टू जी इक्वल टू किसके लेते हैं आर टू स्क्वायर एल इक्वल टू क्या होता है आर वन वन वैक्टर डॉट एन केफ एम इक्वल टू किसके होता है आर वन टू वैक्टर डॉट एन और एन इक्वल टू हम लेते हैं आर टू टू वैक्टर डॉट

v के रेस्पेक्ट में तो माइनस u साइन v u कोस v और v के रेस्पेक्ट में इसका जब करेंगे ये u का फंक्शन है तो v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आर वन वन वैक्टर फाइंड करें आर वन वन आर वन वन का मतलब है आर वन तो ही चुका इसका फिर से u के रेस्पेक्ट में तो ये कंपोनेंट जीरो ये कंपोनेंट जीरो f u का फंक्शन है तो ये f डबल डेस आ गया आर वन टू इक्वल टू र वन टू करें आर वन का वी के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन वी आ गया साइन वी का करेंगे तो कोस वी और एफ डे का किया तो जीरो क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में जीरो होगा एफ यू का फंक्शन है फाइंड करें इक्वल टू तो R2 मेरे पास है इसका वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस यू कोस वी हो गया माइनस यू साइन वी हो गया और कोमा जीरो तो, तो सारे डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर दिए यहां पर ठीक है अब मैं यहां पर सबसे पहले एनकेफ कैलकुलेट कर देता हूं तो आर वन क्रॉस आर टू में फाइंड कर रहा हूं आर, वन आर टू इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस तो वाला है तो फर्स्ट वाला कॉलम कवर करेंगे क्या बनेगा देखो जीरो इसका जब इसमें करेंगे तो जीरो और इसका माइनस इसमें करेंगे तो ये बनेगा माइनस यू इंटू एफडेस और कोसवी आई के लिए जेके लिए क्या है मिडिल वाली टर्म कवर हो गई और फिर जब इसका करोगे आप ठीक है क्या बनेगा इधर तो क्या बन रहा है आपका पहले इस, इधर से करेंगे तो माइनस आ गया आपका यू इन टू और साइन वी आ गया साइन वी कोमा और जब इन दोनों को कवर लास्ट वाले कॉलम को कवर करेंगे तो इसका इसमें होगा और माइनस इसका इसमें तो यू कोस स्क्वायर वी और माइनस माइनस प्लस यू साइन स्क्वायर वी यानी यू बचा आर वन क्रॉस आर आ गया H आप फाइंड कर सकते हो H की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है R1 cross R2 का तो ये H की वैल्यू आ जाएगी मोड करेंगे तो U तो बाहर आ जाएगा U और रूट किसके बचा वन प्लस एफ के ये आपके ये H की वैल्यू आ गई R1 वन क्रॉस आर का मोड कर दिया ठीक है तो यू स्क्वायर एफडेस स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो वन और प्लस यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर तो बाहर लेंगे तो यू बचा और वन प्लस एफ डेस स्क्वायर तो एनकेप क्या आ जाएगा एनकेप इक्वल टू ये आ गया आर वन क्रॉस आर टू आर वन क्रॉस आर टू अपॉन क्या करना है एच तो आप देख सकते हो आर वन क्रॉसू में यू तो कॉमन आ रहा है पूरे में से अपॉन एच करेंगे तो यू से यू कैंसिल क्या बचेगा इक्वल टू ऊपर बचा माइनस माइनस एफ एफडेस कोस वी माइनस एफ एफडेस साइन वी और इधर क्या बचा आपका यू और अपॉन किसके अपॉन रूट वन प्लस एफडेस स्क्वायर के तो ये एनकेप की वैल्यू आ गई अब मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं देखो ई इक्वल टू किसके होगा e का फॉर्मूला क्या है आर तो वन पास ये है इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस एफडेस स्क्वायर यानी वन प्लस एफडेस स्क्वायर ई की वैल्यू एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आर वन डॉट आर टू तो आर वन और आर टू का डॉट करें माइनस यू साइन कोस प्लस यू साइन कोस ठीक है और एफ एफडेस का करें तो ये कैंसिल तो ये तो जीरो आ गया जी इक्वल टू फाइंड करें जी का फॉर्मूला क्या है आर टू स्क्वायर तो आर टू स्क्वायर करें तो यू स्क्वायर आ गया और साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी क्या हो गया वन तो ये तो ई एफ जी की वैल्यू आ गई एच ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं एल फाइंड कर सकते हो एल का फॉर्मूला क्या है आर वन वन का एनके एफ में डॉट करना है ये आर वन वन है पहले कंपोनेंट का करेंगे तो जीरो दूसरे कंपोनेंट का करेंगे तो जीरो तीसरे कंपोनेंट का करेंगे तो ऊपर आ गया u f डबल डैश अपॉन रूट 1 f डश स्क्वायर m इक्वल टू किसके है r12 डॉट n के तो r12 आपका ये रहा इसका n केप में डॉट करो तो पहली टर्म माइनस माइनस प्लस f डश sin v cos v दूसरी टर्म क्या बन रही है माइनस f डश sin v cos v तो कैंसिल हो गई और तीसरी टर्म में जीरो आ रहा है तो m की वैल्यू जीरो आ गई ठीक है क्योंकि पहली टर्म पॉजिटिव है दूसरी टर्म नेगेटिव तो ये आ गया एन इक्वल टू एन इक्वल टू करेंगे आर टू टू डॉट एनके आ रहा है देखो माइनस माइनस प्लस और कोस स्क्वायर वी दूसरी टर्म में यू इंटू एफ डे साइन स्क्वायर वी और तीसरी टर्म जीरो तो यू इन टू एफ डेस कॉमन और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया अपॉन किसके आ जाएगा वन प्लस स्क्वायर का रूट ये एन आ गया t की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो t स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला एल एन माइनस एम स्क्वायर तो एल इन टू एन करें तो ये आ गया u स्क्वायर और किसके? एफ और किसके डबल अपॉन रूट वन प्लस एफ डेस स्क्वायर ठीक है तो इस तरह से आप फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स क्योंकि इस क्वेश्चन क्यों में केवल आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए सरफेस के तो जब भी सरफेस के फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन की बात की जा रही है इसका मतलब दोनों तरह के मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एक मिनट एन की वैल्यू आ गई और टी स्क्वायर मेरे पास इस तरह से आ गया है ठीक है एग्जाम में क्या होगा आपको सरफेस दे दिया जाएगा अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा आपको कह देगा कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आप एफ की वैल्यू बताओ क्या होगी ठीक है तो एफ की वैल्यू जीरो आ रही है अपनी तो आपको आर वन आर टू निकालना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट करना है आपसे पूछ लेगा कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है तो जी की वैल्यू बताओ क्या होगी यानी कि कोई भी आपको सरफेस दे दिया जाएगा और किसी भी पर्टिकुलर कोई भी फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है मोंगीज मोंगीज फॉर्म का। फॉर्म सरफेस सरफेस का वह हैक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई और इसके फॉर्मूले याद रखने हैं आपको ये पूछे जा सकते हैं इसके लिए e होता है वन प्लस पी स्क्वायर के बराबर मैं लिख देता हूं एफ इक्वल टू होता है पी इन क्यू ध्यान रहे पी क्या होता है डेल जेड बाई ये आपने पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी क्या होता है डेल जेड बाई डेल एक्स क्यू क्या होता है डेल जेड बाई डेल वाई इसी तरह से आप आर एस टी लिख सकते हो आर क्या होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू एस क्या होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई टू और टी क्या होता है डेल टू जेड बाई डेल वो सॉरी एस होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और टी होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई टू तो ई की वैल्यू होती है वन प्लस पी स्क्वायर एफ होता है पी इन क्यू जी होगा वन प्लस क्यू स्क्वायर ये तो ई एफ जी की वैल्यू इसके अंदर एच इक्वल टू आता है रूट वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वल होगा एच एम इक्वल टू होगा एस अपॉन एच एन इक्वल टू होगा टी अपॉन एच और इसके अंदर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर टी माइनस एस स्क्वायर और अपोन एच स्क्वायर ठीक है अपोन एच स्क्वायर ये इसके अंदर टी स्क्वायर की वैल्यू होगी तो इस तरह से आप फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इस सरफेस के आप याद रखिए ठीक है मोंगिज फॉर्म सरफेस की क्योंकि कई जगह इसको यूज में लिया जा सकता है नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस कि अगर कोई भी सरफेस आपको दिया हुआ है ठीक है इस सरफेस पर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट मैं इसका बना दूं सपोज ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट बना दिया सरफेस का ये ठीक है इसका कोई भी पॉइंट मैंने पी ले लिया और पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर मैंने क्या मान लिया सपोज आर वैक्टर तब इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा तो इसका ये है एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इक्वल टू एच इंटू डी यू डीवी एच इंटू डी यू डीवी वेयर एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मोड आर वन क्रॉस आर टू तो स्मॉल एलिमेंट का एरिया हम डी एस से डिनोट करेंगे और डी एस इक्वल टू किसके होगा एच इन टू डी यू डीवी अगर ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया है तो सरफेस का एरिया क्या होगा सरफेस एरिया ठीक है पूरे सरफेस के लिए एरिया फोर होल सरफेस होल सरफेस के लिए क्या होगा एस से डिनोट करेंगे और एस इक्वल टू क्या होगा डबल इंटीग्रेशन एच डी यू डीवी ठीक है यहाँ पर v की लिमिट आ जाएगी और यहाँ पर u की लिमिट तो इस तरह से आप डबल इंटीग्रेशन करके पूरे सरफेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में हमने ये कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं इनको आप अच्छे से कर लीजिए हमारे इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद इसी तरह से आप इस पर जुड़े रहिए अभी आगे और भी हमारे इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे कंटिन्यू आपको रोज एक वीडियो मिल रहा है ठीक है और साथ ही प्ले जो हमने इसकी क्रिएट कर रखी है उस प्ले में सारे वीडियोज़ हैं जिस प्ले का लिंक मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा तो वहां से आप चेक कर सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर जो भी रिटर्न मटेरियल है ठीक है पीडीएफ वगैरह वो वहां पर आपको अवेलेबल होंगी टाइम टू टाइम तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कोई भी अगर आपकी क्वेरी है कमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग